जैसा कि आप जानते हैं कि 23 दिसंबर 2020 को इंडियन आर्मी ने अपनी नई एयर डिफेंस मिसाइल MRSAM का सक्सेसफुली टेस्ट किया था। इस टेस्ट को इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको MRSAM की सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। MRSAM के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी को इस नए डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में किसी भी आर्मी को सबसे बड़ा खतरा एयर पावर से होता है, क्योंकि फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, UCAVs और नई जनरेशन की क्रूज मिसाइल्स किसी भी आर्मी के अटैक को नाकाम कर सकती हैं। इसीलिए दुनिया की हर आर्मी दुश्मन की एयरफोर्स से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स का यूज करती है। अभी इंडियन आर्मी के पास रशिया के बने हुए OSA-AK, स्ट्रेला 10M, क्वाद्रत, शिल्का और तुंगुष्का एयर डिफेंस सिस्टम है। इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को 1980s में खरीदा गया था और ये अब पुराने हो चुके हैं। अभी इंडियन आर्मी के पास सिर्फ एक नया एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इंडिया में बनी हुई आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। इंडियन आर्मी का दूसरा नया एयर डिफेंस सिस्टम जो कि अभी तक ट्रायल्स में है को हम QRSAM कहते हैं। आप QRSAM का वीडियो हमारे चैनल पर ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। MRSAM इंडियन आर्मी का तीसरा नया डिफेंस सिस्टम होगा। MRSAM का पूरा नाम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। MRSAM को इसराइल की इसराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI और राफेल कंपनी ने इंडिया की DRDO के साथ मिलकर बनाया है। MRSAM बराक 8 मिसाइल का लैंड बेस्ड वर्जन है। आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि बराक 8 खुद भी बराक 1 मिसाइल, जो कि 2001 से ही इंडियन नेवी की सर्विस में है, का एक नया वेरियंट है। एक्चुअली बराक 1 मिसाइल को इंडियन नेवी ने एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम की तरह से डिजाइन किया था, जो कि इंडियन नेवी शिप्स को पाकिस्तानी मिसाइल अटैक से बचाने के लिए बनाया गया था। बराक 1 एक बहुत ही एडवांस मिसाइल है और ये अभी इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के डिफेंस सिस्टम्स में यूज की जाती है। एक बहुत अच्छी मिसाइल होने के बाद भी बराक 1 मिसाइल की रेंज सिर्फ 12 किलोमीटर होती है, जो कि काफी कम है। इसीलिए इंडिया और इसराइल ने एक साथ मिलकर बराक 1 का नया वर्जन बनाया, जिसे हम बराक 8 के नाम से जानते हैं। बराक 8 मिसाइल की रेंज लगभग 100 किलोमीटर होती है और ये इंडियन नेवी के सबसे नए कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स में भी लगी है। आप इस वीडियो में INS कोलकाता डिस्ट्रॉयर से फायर की जा रही बराक 8 मिसाइल को इजीली देख सकते हैं। MRSAM इंडियन नेवी की इसी बराक 8 मिसाइल का एक लैंड बेस्ड वर्जन है, जिसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के लिए बनाया गया है। एक MRSAM सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि मिसाइल फायरिंग का ऑर्डर देता है। नंबर 2, मल्टीफंक्शन रडार, जो कि एनिमी एयरक्राफ्ट को ट्रैक करता है। और फाइनली नंबर 3, मिसाइल्स, जो कि एक मोबाइल लॉन्चर सिस्टम पर लगी होती है। MRSAM वेपन सिस्टम का एडवांस्ड मल्टीफंक्शन रडार लगातार 150 किलोमीटर तक के इलाके को स्कैन करते हैं। जैसे ही कोई एनिमी फाइटर जेट या मिसाइल डिटेक्ट होती है, मल्टीफंक्शन रडार कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को एनिमी फाइटर की लोकेशन रिपोर्ट करता है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से MRSAM को फायर करने का ऑर्डर दिया जाता है। हर एक MRSAM को एक 2-way डेटा लिंक से कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं इस एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइल्स की। MRSAM एक बहुत ही स्लीक डिजाइन है। MRSAM की लेंथ 4.5 मीटर्स होती है और इसका वेट लगभग 275 किलोग्राम होता है। MRSAM में 60 किलोग्राम का प्री फ्रेगमेंटेड एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो कि एनिमी एयरक्राफ्ट के पास जाते ही ब्लास्ट हो जाता है। MRSAM की स्पीड लगभग 2450 किलोमीटर पर आर होती है और MRSAM में दुश्मन की जैमिंग से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स सिस्टम्स लगाए जाते हैं। MRSAM के एक लॉन्चर पर एक साथ 8 MRSAM लगी होती है, जो कि 4-4 मिसाइल्स का ग्रुप में लगाई जाती है। इन मिसाइल्स को इंडिया में बने एक हाई मोबिलिटी ट्रक पर लगाया जाता है। MRSAM लॉन्चर एक बार में एक या एक साथ कई मिसाइल्स को एक ही टारगेट पर फायर कर सकता है, जिससे एनिमी फाइटर्स का बच पाना इम्पॉसिबल होता है। अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने ही MRSAM का ऑर्डर प्लेस किया है। टीम गार्डिंग इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया को लगभग 1000 MRSAMs की जरूरत है। MRSAM के इन ऑर्डर्स की टोटल वैल्यू 25,000 करोड़ रुपीज से ज़्यादा मानी गई है। आखिर में मैं आपको टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा, MRSAM एक बहुत ही एडवांस मिसाइल सिस्टम है, जो कि इंडिया को पाकिस्तान और चाइना के किसी भी मिसाइल या एरियल स्ट्राइक से बचाएगा। आने वाले समय में MRSAM सिस्टम और भी एडवांस हो जाएगा, क्योंकि DRDO MRSAM की रेंज बढ़ाकर 150 किलोमीटर करने वाला है। इस नई मिसाइल को हम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM कहेंगे, जो कि इंडिया की पावर को और भी बढ़ा देगा। इसी के साथ
इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। हम आपके लिए इसी तरह डिफेंस रिलेटेड वीडियोज लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।